हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो DHS का जो एग्जाम्स होने वाला है ग्रेड 3 का, उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% इज, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है ना, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, एक 15% है और दूसरा आपका दे दिया हुआ है 10%। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम्स में, तो आपका करना क्या है, यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट निकालना है, यानी सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट जो 15% है, पहले आपको लिखना है, एंड देन प्लस 10%, यानी 15 प्लस 10, ठीक है। उसके बाद आपको करना है माइनस, और ये 15 × 10 और डिवाइड बाई आपको करना है 100, ये हो जाएगा आपका सिंगल डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कितना, 15 प्लस 10 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25, एंड देन माइनस, अब यहाँ से देखोगे ये जीरो से ये जीरो को कैंसिल करते हैं, 15 बाई 10, यानी हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा परसेंटेज, और इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 23.5%, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23.5%, ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकेंड। तो यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है क्या कि 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 18% ऑफ विच नंबर, तो हम एक ले लेते हैं कि 18% ऑफ विच नंबर, हमें नंबर नहीं पता, हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इज इक्वल बोल रहा है तो इक्वल लेंगे, एंड देन 12% ऑफ 75, सो 12% ऑफ ये हो जाएगा 75। अब ये देखो ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, सो आपको मिला क्या, एक्स इज इक्वल्स टू 12, एंड देन ऑफ मीन्स इंटू 75, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 18 इसके नीचे आ जाएगा, 6 से कैंसिल करते हैं, 6 × 2 = 12 हो गया, और 6 × 3 = 18, इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 25 × 3 = 75, ठीक है ना। अब ये देखो 25 × 2 कर दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थर्ड। अब यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 years इज 1/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया हुआ है किसी सम पे 4 साल के बाद, यानी आफ्टर 4 years इज कितना हो जा रहा है, 1/5 ऑफ द सम हो जा रहा है। सम मीन्स प्रिंसिपल, सम मीन्स हो गया आपका प्रिंसिपल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है पता ही होगा आपको, PRT/100, ठीक है। तो यहाँ देखोगे सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, 1/5 ऑफ द सम, तो हम ले लेते हैं 1/5 ऑफ द सम मीन्स, अभी इस प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे पास है नहीं सम, प्रिंसिपल ही डिनोट करते हैं और पी को पी ही रहने देते हैं। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स आर फाइंड करना है, और टाइम कितना, आफ्टर 4 years ना, यानी 4, और नीचे हो गया 100, ठीक है। अब ये देखो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, अब इस 5 से अगर 100 को कैंसिल करें, क्योंकि ये 100 तो ऊपर आने वाला है, तो नीचे नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं 20 times, और 4 से 20 को कैंसिल करेंगे 5 times, सो आपको क्या मिला, R इज इक्वल्स टू, अब ये 5 जो नीचे है इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 5 × 1 यानी 5 होगा, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 5%। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखोगे बोल रहा है कि द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 2:3 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, P:Q इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 2:3। जब भी रेशियो में आए तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, यानी P के लिए हो जाएगा 2x और Q के लिए हो जाएगा 3x, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इफ द एज ऑफ पी इज 12 years लेस देन द एज ऑफ क्यू, पी का जो एज है वो क्या है, 12 years लेस है किससे, क्यू से,
यानी Q से आपका 12 ईयर्स कम है, यही है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो यहाँ बोला है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ Q इन ईयर्स, ठीक है। तो P हमारा क्या था यहाँ पे 2x था, सो P के जगह हम लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू Q के प्लेस में लिखेंगे, ये हो गया 3x और ये माइनस 12। अब इस 2x को उस साइड लेकर जाओगे तो ये क्या होगा, या फिर आप 3x को इस साइड लेकर आ जाओ तो 2x माइनस 3x यानी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा और इस साइड हो गया माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, सो x का वैल्यू क्या मिला 12, ठीक है। अब हमारे पास में p क्या था 2x था और q क्या है 3x, तो अब इस x का वैल्यू हम क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12 को पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 12 करोगे तो कितना हो गया 12 2 जा 24 और q के लिए कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा q के लिए 36 ईयर्स और p के लिए हो जाएगा 24 ईयर्स। अब ऑप्शंस में देखोगे यहाँ तो परसेंटेज पूछ रहा है किसका, q का, तो q के लिए क्या हो जाएगा 36 ईयर्स, ऑप्शंस में देखो 36 का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ और ये दे दिया हुआ है, ठीक है। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस DHS के एग्जाम्स में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए ना तो आपको करना क्या है, एकदम ये यहाँ देखोगे रूट के अंदर ये अगेन रूट है, ये अगेन रूट है ना, तो लास्ट वाला जो है ना ये इससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखोगे अब यहाँ वन है, अब यहाँ जीरो काउंट कर लो 1 2 3 4, जब भी आपका इवन जीरो हो ना तो रूट से जो बाहर निकालेंगे तो वन के लिए तो वन ही होगा, है ना। और यहाँ जो इवन जीरो है यानी उसको हाफ कर दोगे, यानी टोटल कितना है 1 2 3 4, हाफ कितना हो गया 100, अब ये 100 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। अब उसके बाद अब इस 100 को 44 में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, अब 144 ये रूट, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 प्लस रूट अंडर है ना, तो 144 कितने का स्क्वायर होता है, अब बोलोगे 12 का होता है, तो अगेन ये रूट से बाहर आ जाएगा 12, और 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, रूट अंडर 16, और रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर होगा 4, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर हो गया, तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने DHS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए, ग्रेड थ्री का जो भी एग्जाम्स होने वाला वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।